ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? गुड सो शैल आई हैव टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ और यू नो मी? Do you know me? No need to introduce. No. Okay. So myself, Parul Setia, and I'm your one of the pathology faculty. So I am a BS Agriculture U Jodhpur Gold Medalist, and now I'm pursuing my plant pathology in PAU Ludhiana. Okay, I'll be teaching you plant pathology. तो कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूंगी और कुछ टॉपिक्स जो दूसरी फैकल्टी हैं वो कवर करेंगी आपके साथ, ठीक है? सो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से होंगे, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? MPKV पुणे, ओके, JBPUT, ओके गुड, मैम BHU, ओके, BAU सबौर, so I think we are covering the whole of the India right now. VNMKV Maharashtra Parbhani. Okay, very nice. So यहाँ पे कोई student है that was present in last year also? Yes, ma'am. सो लास्ट ईयर हमने कवर किया था पैथोलॉजी, तो इस बार सबसे पहले हम डिस्कस करूंगी कि मैं कौन कौन से पोर्शन आपको कवर करवाऊंगी, किस सीक्वेंस के अंदर हम कवर करेंगे, क्या क्या कंटेंट हम कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री पोर्शन, ओके, विल टॉक अबाउट टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज जब तक आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होंगी, हम बाद में जो भी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके? तो टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज हिस्ट्री से भी डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट, इसके अलावा जो आपका जो बेसिक है प्रिंसिपल्स, या आप कह सकते हो जो फंडामेंटल है प्लांट पैथोलॉजी का, जिसको हमने लास्ट टाइम हमने लास्ट में कवर किया था, बट इस टाइम हम उसको इनिशियली कवर करेंगे। विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स, ऑल द टॉपिक्स की हमारे हिस्ट्री पोर्शन हो गया, टर्मिनोलॉजीज हो गई हैं, फिर एंजाइम्स, टॉक्सिन्स का रोल, डिजीज साइकिल, ठीक है, पैथोजेनेसिटी, ये सब चीजें हम कवर करेंगे इसके अंदर। प्रिंसिपल्स के बाद जो टॉपिक मैं कवर करवाऊंगी, वन इज बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी का कंप्लीट पोर्शन मैं आपको कवर करवाऊंगी, बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड बेसिक से एडवांस तक जितने भी टॉपिक्स, जितने भी फैक्ट्स, जितनी भी चीजें होंगी वो सभी मैं कवर करवाऊंगी आपको, ठीक है? ओके, उसके बाद हम बैक्टीरियोलॉजी के बाद कुछ हम माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन भी हम कवर करेंगे, वो हम माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन हम बाद में देखेंगे, ठीक है? सो पैथोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स आपके होते हैं, माइक्रो, बैक्टीरियो, वायरो, ठीक है? तो मैं आपके साथ बैक्टीरियोलॉजी के साथ डील करूंगी और बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड हम हर एक चीज कवर करेंगे। टॉकिंग अबाउट द कंटेंट, तो अगर हम आप क्लास के अंदर रूटीन में रहते हैं, तो इसके नोट्स के अंदर आपको जो आपके बेसिक एग्रो वगैरह के नोट्स इंक्लूड होते हैं उसे भी हम लेकर चलेंगे। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम कुछ बुक्स रेकमेंड की थी, वन इज लाइक MK यादव, और एक सत्यम सर ने भी आपको रेकमेंड की हुई है, मैंने भी वो करी थी, जो एस एस शर्मा की बुक है। तो इनसे रिलेटेड भी जितना कंटेंट मैं आपको बैक्टीरियो में पढ़ाऊंगी वो इन दोनों बुक्स के कंटेंट को भी कवर करेगा। सो इससे आपको सेपरेटली हर एक चीज सेपरेटली पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, ऑल ऑफ द कंटेंट विल बी कवर्ड इन द क्लास इटसेल्फ, राइट? सो इनिशियली हम इतना पोर्शन देखेंगे। इसके अलावा जो भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की अगर हम बात करेंगे, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे सेपरेटली हमें कवर करने हैं, दैट विल कवर्ड, ओके? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, अच्छा, अब पढ़ाने का तरीका।
तो पढ़ाने के तरीके में ही होगा कि जो भी आज की क्लास होगी, मैं आपको आज की क्लास में जितना भी हमें कवर करना होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाएंगे, क्लास के बीच में भी अगर किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज हमें समझ नहीं आई है, हमें क्लियर नहीं होगी, तो मैं जैसे ही वो चीज कंप्लीट करूंगी उसके बाद आप इमिडिएटली आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को ऑन दैट स्पॉट आप क्लियर कर लीजिए. हमें पेंडिंग नहीं रखना है कोई भी डाउट. ओके. और इवन कि आप एक बार पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है, आपको एक बार उसको दोबारा रिवाइज करना, आप रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार दोबारा ऑन द सेम डे अगर आप देख लेंगे तो आपको रिकॉल करना इजी हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में वो चीज रहेगी. और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास से पहले आप मुझसे उस लास्ट क्लास के कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट चीज, क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है. क्लास में चुप नहीं रहना है वैसे, कि अगर कोई चीज मैं पूछ रही हूँ तो आपको रिस्पॉन्ड करना है वो चीज में. एवरी स्टूडेंट, ठीक है, आपको मतलब अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो आपको उसके अंदर क्लियरली उसका पूरा फायदा लेना है. कुछ भी समझ नहीं आता, बेसिक से एडवांस तक कोई इशू नहीं है, कोई कुछ जज नहीं कर रहा है आपको. जो भी चीज आप क्लास में पूछ रहे हैं. हेलो. हाँ जी मैम, वो मेरा मशीन हैंग हो गई थी इसलिए मैं मतलब लेट ज्वाइन हुआ, तो थोड़ा क्लांस में बता सकती कि आप क्या पढ़ाई? देखो अभी तक हमने कुछ भी मतलब पढ़ा नहीं है. हमने सिर्फ बेसिक यही बात की है अभी तक कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, मतलब मैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करवाऊंगी. हम हिस्ट्री का पोर्शन, टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल्स का जितना टोटल पार्ट है वो, और मेनली जो अगर कैटेगरी वाइज हम देखें तो बैक्टीरियोलॉजी का पोर्शन मैं कवर करवाऊंगी. इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के भी कुछ पोर्शंस होंगे, दैट विल टॉक आफ्टरवर्ड्स. ओके. सो बस क्लास में अटेंटिव रहना है. कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो भी पूछ रही हो ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम. जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्ड करोगे क्लास के अंदर उतना ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है. अभी से लेकर एंड तक जितना ज्यादा आप क्लास में अटेंटिव रहोगे, कंपैरेटिवली जो लोग अटेंटिव नहीं रह रहे हैं उनके कंपैरेटिवली आपको हमेशा ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस आपके प्रिपरेशन के ऊपर हमेशा ज्यादा रहेगा. ओके. यस मैम. ओके, सो शैल वी स्टार्ट द क्लास? यस यस. ओके. ओके, सो ये आपका सिलेबस है जो प्लांट साइंस का हमारा सिलेबस होता है. ठीक है. इसमें हमारे बेसिकली हम पांच पार्ट्स पढ़ते हैं. हम ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक एंड पीजीआर का कुछ पोर्शन होता है. तो इसके अंदर जो मेजरली मैं कवर करूंगी तो वो कुछ फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स का पोर्शन है वो मैं कवर करूंगी आपके साथ, प्लस जो बैक्टीरियो का पोर्शन होगा एंड जो एक मेजर पार्ट जो आपका रहता है डिजीजेस का. डिजीजेस का पोर्शन जो होगा वो, उसके लिए मैं कुछ एक डिफरेंट प्लान कर रही हूँ ताकि आप वो लेटर डिस्कस करूंगी आपके साथ कि डिजीज को ज्यादा से ज्यादा हम इफेक्टिव वे से कैसे पढ़ा सकते हैं. बिकॉज लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी डिजीज को रिमेम्बर करने के अंदर. तो लास्ट तक बहुत सारी क्रॉप्स, बहुत सारी फ्रूट क्रॉप्स वगैरह मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, सो वो सब चीजें याद नहीं रह पाती हैं. सो आई विल फाउंड एन इफेक्टिव वे एंड आई विल टेल यू कि कैसे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट जो डिजीज के अंदर है, अलग अलग क्रॉप्स की मेजर डिजीजेस, उनको आप याद कर सकते हो. सो दैट विल ऑल्सो कवर. ठीक है. चलिए. सो अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से. सो टॉकिंग अबाउट आपका जो सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी, है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी. फाइटोपैथोलॉजी के अंदर आपके पास ये किस तरीके का वर्ड होता है, दैट इज अ ग्रीक वर्ड. ये जो लोगस वर्ड हम लेते हैं, इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसमें फाइटोन, पैथो और लोगस तीन वर्ड्स होते हैं. फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है डिजीज या एलिमेंट, और लोगस का मतलब होता है स्टडी. यानी कि एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जो प्लांट की सफरिंग है, प्लांट के डिजीजेस है, हम उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर की या बॉटेनिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करते हैं. ओके, नोट्स ये आपको, ये जो स्लाइड्स होंगी ये आपको कंटेंट ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा.
ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम कौन कौन से पार्ट्स कवर करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी डिजीज हो रही है तो उसका कॉज क्या है, ठीक है। सेकेंड चीज हम पता लगाएंगे कि जो पैथोजन है जिसकी वजह से हो रही है उसकी एटियोलॉजी, यानी कि उस पैथोजन के बारे में आप पढ़ोगे कि वो पैथोजन है, ऐसे स्पोर्स हैं उसकी वजह से हो रही है, वो स्पोर की ऐसी है, ऐसे अड्डे होते हैं, वो सब चीजें हम पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जब अपने पैथोजन के बारे में पढ़ लिया उसके बाद आप पढ़ोगे एपिडेमोलॉजी। सो व्हाट इज एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी का मतलब होता है कि वो डिजीज स्प्रेड कैसे हो रही है, यानी कि सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस वगैरह वो सब हम देखेंगे, फेवरेबल कंडीशंस क्या है उस डिजीज को स्प्रेड होने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये देख लिया हमने एपिडेमोलॉजी, उसके लॉसेस, एंड एट द एंड जब हमें ये सब चीजें पता होंगी तभी हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करते हैं कि जो प्लांट के डिजीज है उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके स्प्रेड होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है, एपिडेमोलॉजी क्या है, उसके लॉसेस, एंड एट द एंड विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट। मैम एटियोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एटियोलॉजी के अंदर बेसिकली हम यही पढ़ते हैं कि जब हम पैथोजन की स्टडी करते हैं, दैट इज एटियोलॉजी, ठीक है। जिसमें अब जैसे हम लिखते हैं ना कि जैसे आप थ्योरी के एग्जाम के अंदर हम लिखते होते हैं ना कि इस पूरी डिजीज के बारे में आप एक्सप्लेन करो, यस मैम, यस मैम, है ना। तो उसके अंदर हम एटियोलॉजी के बारे में क्या पढ़ते होते हैं कि उसके अंदर अब ये हमारा जो है ये पक्षीनिया का है, ठीक है, इसके अंदर ये यूरिडियोस्पोर्स हैं, यूरिडियोस्पोर्स के सिंगल सेल्ड होते हैं, डबल सेल्ड होते हैं, ब्लैक कलर ब्राउन कलर के होते हैं। तो जब हम कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसके, ठीक है, उसकी बात करते हैं, दैट इज क्या होता है उसकी एटियोलॉजी, एटियोलॉजी, ठीक है, कि वो किस तरीके का पैरासाइट है उसके बारे में बताओगे आप सब कुछ। उसके बाद एपिडेमोलॉजी मतलब स्प्रेडिंग, स्प्रेड, एपिडेमोलॉजी का मतलब ये होता है कि अब वो डिजीज स्प्रेड कैसे हो रही है, उसकी सारी एनवायरमेंटल कंडीशन आप वगैरह देखोगे, ये टेम्परेचर चाहिए, ये ह्यूमिडिटी चाहिए, उसके कोलेटरल होस्ट चाहिए, इस तरीके से, यानी वो डिजीज स्प्रेड कैसे हो रही है। ओके, यस मैम, ठीक। सो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आता है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब जैसे कि हमने पहले इसके ऑलरेडी इसके डेफिनेशन के अंदर हमने क्लियर किया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, टू स्टडी द लिविंग नॉन लिविंग एंड द एनवायरमेंटल कॉजेज ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर्स। ओके, नाउ यू आपको पता है डिजीज और डिसऑर्डर के बीच में फर्क क्या होता है? यस मैम, जो डिसीज होता है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जो डिसऑर्डर होता है वो जो हमारे अलिविंग थिंग्स है, जैसे ज्यादा सनलाइट की वजह से सन स्कॉच हो सकता है, या फिर वाटर एप्पल जैसे बनता है तो उससे हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, उसके फिजियोलॉजी के कारण हो सकता है, जैसे कि कोई एलिमेंट का डिफिशिएंसी या फिर ये सब के कारण डिसऑर्डर। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बायोटिक रीजन की वजह से हो रहा है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, डिजीज बोलोगे। बट अगर कोई एबायोटिक फैक्टर आ रहा है, यानी कि सनलाइट आ गया उसके अंदर, वाटर डेफिशिएंसी, वाटर एक्सेस होना आ गया, कोई न्यूट्रिएंट की कमी आ गई, यानी कोई भी अगर एबायोटिक कॉज होता है जो उसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है, दैट इज नोन एज डिसऑर्डर। क्लियर है? तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव प्लांट पैथोलॉजी का होता है वो होता है कि आपको उसका कॉज पता करना है, डिजीज या डिसऑर्डर का, कि वो क्या कॉज हो रहा है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, एनवायरमेंटल कॉज है। सेकंड, जब आपको इसके कॉज के बारे में पता लग गया, तो सेकंड चीज आप क्या ढूंढोगे यहाँ पे, कि उसका मैकेनिज्म क्या है, यानी कि अब आपको कॉज पता लग गया तो आप ये पता लगाओगे कि भाई ये जो कॉज है ये डिजीज को कैसे कर रहा है, मैकेनिज्म क्या है डिजीज लेके आने का इसका, ठीक है। थर्ड चीज, जब को पता लग गया कि मैकेनिज्म इस तरीके से ये यहाँ पर लीव्स में इन्फेक्ट कर रहा है और इस तरीके से इन्फेक्शन कर रहा है ये, थर्ड चीज आप पता लगाओगे कि इसके अंदर जो होस्ट है, ठीक है, और पैथोजन है, उसके बीच में इंटरेक्शन क्या है, क्या उनके बीच में इंटरेक्शन होता है कि वो यहाँ आके डिजीज कर रहा है, ठीक है, वो आप पता लगाओगे। एंड एट द एंड जब आपको ये चीजें पता लग जाएंगी, देन हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे इसका और लॉसेस को कम कर देंगे, ठीक है। पहले कॉज का पता लगाना, देन मैकेनिज्म, देन इंटरेक्शन, एंड एट द एंड मैनेजमेंट। ओके, अच्छा, अभी आप कैसे पता लगाते हो कि ये प्लांट में डिजीज हुई है,
क्योंकि हर एक प्लांट जो है उसकी अपनी एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है जो एक हेल्दी प्लांट जो है वो परफॉर्म करता है. नॉर्मली क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है अगर आप ये ना देखो अपने हिसाब से बताओ, जनरल एक्टिविटीज क्या क्या करता है प्लांट? ट्रांसपिरेशन. ओके, फोटोसिंथेसिस करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है रूट से बाकी पार्ट्स के अंदर होता है. यस मैम. यस मैम. उसके अलावा खाने का मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है. तो ये सब नॉर्मली वो सेल जो है वो डिवाइड करती हैं उसकी. ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो एक हेल्दी प्लांट परफॉर्म करता है. तो अगर इन सभी नॉर्मल एक्टिविटीज में कहीं पर भी डिस्टर्बेंस आती है, कोई भी एक्टिविटी नॉर्मली परफॉर्म नहीं होती है, दैट मीन्स द प्लांट इज नॉट हेल्दी. यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ डिजीज है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आई है. राइट, तो ये होता है आपके पास. नॉर्मली हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस क्या होते हैं. अच्छा, अब पैथोजन के आने की वजह से क्या इफेक्ट हो जाएगा? जो ये एक्टिविटी जो रहती है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी. गड़बड़ हो जाएगी, कैसे होगी? क्योंकि अब आगे जब प्रिंसिपल्स का हम पढ़ते हैं ना, आपने यूजी में भी पढ़ा होगा कि आपको पता है कि पैथोजन कुछ तरीके के एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, कुछ तरीके के टॉक्सिन सिक्रिएट करते हैं. राइट, है ना? तो जब वो टॉक्सिन्स या कुछ एंजाइम सिक्रिएट करते हैं तो ये एंजाइम जाके प्लांट के टिश्यू के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट करेगा. उसके टिश्यूज प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, उन पे अफेक्ट आएगा. ठीक है, प्लांट की ग्रोथ पे अफेक्ट आएगा क्योंकि पैथोजन कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी रिलीज करते हैं जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाती है प्लांट्स की. फिर जो ये प्लांट्स नॉर्मल अपना ये न्यूट्रिएंट की इनकी साइकिल चल रही थी, ठीक है, कि रूट्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा था और जाइलम के थ्रू और फ्लोएम्स के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा पैथोजन. ठीक है, नॉर्मली उसकी परमेबिलिटी चेंज कर सकता है सेल मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है. हो सकता है कि पैथोजन कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज कर दे जिनका क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पे अफेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से उनकी जो फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से पैथोजन के आने की वजह से कोई भी एक आपकी जो इसकी एक्टिविटी है उसके ऊपर अफेक्ट आ सकता है. ठीक है, अब कुछ हम जनरल सी फेमाइंस या कुछ जो मेजर डिजीज हम हिस्ट्री के अंदर बात करते हैं कुछ की, वो हम देखते हैं. आयरिश फेमाइन सभी ने सुना हुआ है? यस मैम. आयरिश फेमाइन कब आया था? 1845 के अंदर. वहां पर आया था? आयरलैंड. आयरलैंड के अंदर. कौन सी डिजीज की वजह से हुआ था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दैट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस. ये सभी को पता है. सेकंड इंपॉर्टेंट फेमाइन है पाउडरी मिल्डियो ऑफ ग्रेप वाइन्स. सेकंड इंपॉर्टेंट डिजीज पाउडरी मिल्डियो ऑफ ग्रेप वाइन्स, ये आई थी 1854 था, फिर 54. ये आई थी ग्रेप्स फ्रांस के अंदर. ये किसकी वजह से होती है? अंसिन्यूला निकेटर. तो आपको कई कॉजल ऑर्गेनिज्म डिजीज के याद हो रहे हैं, वो हम साथ साथ याद करेंगे. सो ग्रेप वाइन्स में जो पाउडरी मिल्डी होती है वो किसकी वजह से हुई? अंसिनेला निकेटर. ओके, नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट होता है कॉफी रस्ट. कॉफी रस्ट जो डिजीज थी श्रीलंका 1868, ये किसकी वजह से होती है कॉफी रस्ट? हेमिलिया वास्टाट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट होती है डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप वाइन्स. डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप वाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी अब ग्रेप वाइन से रिलेटेड दोनों ही फ्रांस के अंदर है, पाउडरी मिल्डी और डाउनी मिल्डी. पाउडरी मिल्डी होती है अंसिन्यूला निकेटर 54, और 78 में ग्रेप वाइन्स की वजह से था, दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोपोरा विटिकोला. और इसी की वजह से किसकी डिस्कवरी हुई थी? बॉडेक्स मिक्सचर. किसने की थी? पीएमए मिलाडेट. ठीक है, फिर आपका वीट रस्ट एपिडेमिक कब आया था? 1916 अमेरिका में. तो वीट रस्ट तो सबको पता है किसकी वजह से होता है? पक्षीनिया ग्रामिनिस फ्रिटिसाई. पक्षीनिया ग्रामिनिस फ्रिटिसाई की वजह से होता है. देन इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन. रेड रॉट ऑफ शुगर केन 1936 इंडिया के अंदर. हाँ जी मैम. yes? वो वीट रस्ट जो हम लोग को होता है, मतलब वीट रस्ट तो थ्री टाइप्स के होते हैं ना मैम, लीफ रस्ट, स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट. जी हाँ जी हाँ जी. तो मतलब अगर क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि वीट रस्ट का मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो हम लोग कौन सा बोलेंगे, क्योंकि तीनों का अलग अलग है.
जनरली हम इसमें अगर दिया जाता है तो स्टेम रस्ट की जनरली हम बात करते हैं, ब्लैक रस्ट की, पक्षीनिया ग्रामिनस स्ट्रेटिसाई। और बाकी एपिडेमिक का स्पेसिफिकली वैसे पूछते नहीं है, अगर डिजीज में आएगा तो फिर वो स्पेसिफाइड करके पूछा जाता है। इसके अंदर जो एपिडेमिक है ये स्टेम रस्ट की वजह से है, इसलिए इसका नाम पक्षीनिया ग्रामिनस स्ट्रेटिसाई है। ओके मैम। देन इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन 1936 इंडिया में, यूपी में, दैट इज कॉज्ड बाय कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। फिर बंगाल फेमाइन, सबको पता है बंगाल फेमाइन कब आया था, 1943। बंगाल क्यों बोला, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आया था। कौन सी डिजीज थी ये, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, दैट इज कॉज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसको हम कहते हैं ड्रेक्सलेरा ओराइजी। फिर एक होती है आपके पास सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट 1969, ये भी अमेरिका में, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस रेस टी। और एक है आपके पास एप्पल स्कैब, दैट इज 1984 जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एप्पल बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे एप्पल स्कैब आया था 84 के अंदर, कॉज्ड बाय वेंचुरिया इनिक्वेलिस। ठीक है, तो ये आपके कुछ एपिडेमिक्स हैं, तो ये सब आप आज की आज ही आपको याद करने हैं, कल ये चीज मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो इसको सेम डे आप याद करके रखोगे तो आपको बाद में इशू नहीं आएगा। तो आयरिश फेमाइन आपको याद ही है, बंगाल फेमाइन याद है, दो तीन चीजें हमें याद रखनी है इसके अंदर। पाउडरी मिल्ड्यू ग्रेप वाइन, डाउनी मिल्ड्यू, दोनों ही ग्रेप वाइन्स हैं, दोनों फ्रांस में आए थे। डाउनी मिल्ड्यू किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, और पाउडरी होती है अनसिन्यूला निकेटर, और डाउनी मिल्ड्यू की वजह से बोरोडेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी हुई थी। कॉफी रस्ट होता है हेमिलिया वास्टाट्रिक्स, श्रीलंका के अंदर। फिर वीट रस्ट, ये आपको पता है पक्षीनिया। रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है। सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस, क्योंकि मेज के अंदर है, रेस टी, और एप्पल स्कैब वेंचुरिया इनिक्वेलिस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि प्लांट डिजीज के कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो कॉजेज आपको पता है, सबसे पहले बात करते हैं पैथोजन। पैथोजन किसे बोला जाता है, व्हाट इज पैथोजन, यानी डिजीज कॉज करते हैं। हाँ जी, यानी कोई भी ऐसा एजेंट जो डिजीज को कॉज करता है, दैट इज नोन एज पैथोजन। ठीक है, अब ये पैथोजन जो आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं डिजीज कॉज करने में। अगर आता है ए बायोटिक फैक्टर, तो ए बायोटिक फैक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी, न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस होना, लाइट, मॉइस्चर, एरेशन, सॉइल कंडीशन प्रॉपर है या नहीं है, तो ये सब चीजें जो हैं ये सब इंक्लूड होती हैं एबायोटिक फैक्टर्स में। कुछ एग्जांपल्स अगर आप इसके अंदर देखते हो, जो मैंगो के अंदर ब्लैक टिप होती है ये किसकी वजह से होती है, मैंगो में जो ब्लैक टिप होती है ये किसकी वजह से आ जाती है, बोरोन डेफिशिएंसी, बोरोन डेफिशिएंसी भी हो सकता है, या फिर सल्फर की, जब SO2 की टॉक्सिसिटी की वजह से भी ब्लैक टिप होती है। थायराइड डिजीज तो सबको पता है, एग्रीकल्चर का फेमस क्वेश्चन, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। सर मैम एक CO2 का जब एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाता है उसकी वजह से। बिटर पिट ऑफ एप्पल, कैल्शियम डेफिशिएंसी। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ मतलब वही कि ब्लैक हार्ट को हम लोग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी तो बोल सकते हैं। हाँ, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, CO2 एक्यूमुलेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तभी CO2 एक्सेस हो जाएगी। ओके, और मैम वो जो हॉलो हार्ट जो मतलब एक डिजीज है, वो तो मैम एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के कारण होता है ना। कौन सी कह रहे हो आप, हॉलो हार्ट ऑफ पोटैटो। यस मैम, तो ये हॉलो हार्ट या फिर जो ब्लैक हार्ट की बात करी है, ये बेसिकली तो मतलब जो ब्लैक हार्ट आपके पास आ गया ये CO2 की वजह से ही है, या फिर मतलब डिफरेंट रीजंस होते हैं वैसे तो ना, क्योंकि जब भी एक काइंड ऑफ सिंड्रोम आता है ना, तब ये बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ आती है। जैसे हॉलो हार्ट की बात करोगे ना, तो हॉलो हार्ट के रीजंस कई हो सकते हैं, यहाँ पे वाटर के स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, कई जगह आप देखोगे तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तभी भी हॉलो हार्ट हो सकता है।
मैम एक जगह पढ़े थे वहां पे वो बोलते हैं कि एक्सेसिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देने के कारण हॉलो हार्ट होता है. मे बी तो एक बार वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि हाँ मतलब ये भी रीजन एक हो सकता है कि जब आप बहुत ओवर फर्टिलाइजर कर देते हो उसकी एक्सेस फर्टिलाइजर डोज हो जाती है उसकी वजह से भी ये हो जाता है. ओवर फर्टिलाइजिंग भी रीजन हो सकता है इसका. और इसके अलावा कैल्शियम की कमी भी आ सकती है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट आ सकता है और CO2 एक्युमुलेशन भी हो सकता है. ठीक है जस्ट अ सेकंड. ओके अच्छा अब ये तो हो गया आपके पास एबायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स के बाद अगर आप बात करोगे तो आते हैं आपके पास मेसोबायोटिक कॉसेस. मेसोबायोटिक कॉसेस का मतलब क्या होता है? मैम नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. ना तो वो प्रॉपरली लिविंग है ना वो प्रॉपरली नॉन लिविंग है. और इसमें सबसे मेनली आप क्या पढ़ते हो? वायरस. क्योंकि वायरस का ये चीज प्रूफ नहीं होती कि लिविंग नॉन लिविंग है या नॉन लिविंग है. बिकॉज वायरस का मेटाबॉलिज्म सिर्फ तभी चलता है जब वो किसी लिविंग होस्ट के अंदर होता है ना. और जब वो बाहर है लिविंग होस्ट के अंदर नहीं है तब उसको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं. तो ये मेसोबायोटिक कॉजेस की वजह से भी डिजीज हो जाती है. जैसे इसमें दो आती हैं आपके पास वायरस और वायरॉइड. वायरस और वायरॉइड में डिफरेंस क्या होता है? प्रोटीन कोट का. प्रोटीन कोट कि वायरस के अंदर एक हमारे पास इससे मिलता जुलता एक थर्ड चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं प्रायोन्स. तीनों में क्या होता है? वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है. वायरॉइड के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज आरएनए. ठीक है. और प्रायोन्स के पास सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन. ठीक है. तो वायरस की वजह से कुछ डिजीज होती हैं जैसे कि पोटैटो लीफ रोल, लीफ कर्ल्स की जितनी डिजीज होती है, मोज़ेक जो होता है, ये सारे मेनली सिम्टम्स किसके होते हैं? ये वायरल डिजीज के सिम्टम होते हैं. वायरॉइड के अंदर क्या आता है? एक जो मेनली देखी गई थी जिसके अंदर वायरॉइड की डिस्कवरी की थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर के बाद होती है सिट्रस एक्सोकॉटिस, क्राइजेंथिमम स्टंट. ठीक है. कोकोनट कडांग कडांग. ये सारी जो डिजीज होती हैं ये किसकी वजह से होती हैं? वायरॉइड की वजह से होती हैं. एंड द लास्ट इज द बायोटिक फैक्टर यानी कि जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आपके प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स इंक्लूड होते हैं. प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करोगे तो बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से होने वाली कोई डिजीज बताओ? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल. फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और लीफ ब्लाइट ऑफ राइस. ये किसकी वजह से होती है? एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन. गुड. तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है. तो एंगुलर लीफ स्पॉट या कोई भी जो हमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट राइस में है. ठीक है. ब्राउन विल्ट ऑफ पोटैटो, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, अर्विनिया वगैरह से होती है. सिट्रस कैंकर, ये सारी की सारी क्या होती है आपके पास? बैक्टीरिया से यानी प्रोकैरियोट से होने वाली डिजीज होती है. फाइटोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज क्या होती है? जैसे एग्जांपल दे रखा है पीचेक्स डिजीज. फिर एक होते हैं आपके पास फास्टिडियस बैक्टीरियम. ठीक है. जिसके अंदर आपके पास जाइलम इनहेबिटिंग भी आ जाते हैं, फ्लोएम में रहने वाले भी आ जाते हैं. जैसे एक आता है आपके पास जाइलेला फास्टिडियोसा. जाइलेला फास्टिडियोसा क्या करता है? जैसे एक पढ़ते हैं हम पर्सी डिजीज ऑफ ग्रेप वाइंस. तो ये मेनली जाइलम इनहेबिटिंग होता है, जाइलम में रहने वाला पैथोजन होता है ये. ठीक है. फिर आते हैं यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स के अंदर क्या आते हैं? फंजाई. फंजाई से तो होने वाली बहुत ज्यादा डिजीज है. 80% जो प्लांट डिजीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ फंजाई से होती है. तो इसमें तो हम रस्ट, स्मट, रोटिंग, मिल्ड्यूज, चाहे डाउनी मिल्ड्यू चाहे पाउडरी मिल्ड्यू, वार्ट, ये कितनी सारी डिजीज आपके पास आ सकती है. फिर एक होता है आपके पास ओमाइसिटीज. ओमाइसिटीज को हम क्या नहीं बोलते? जो स्टेमिनोफाइल्स होते हैं इन्हें हम ट्रू फंजाई नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते हैं? क्या फर्क होता है? सेलुलोज होता है. क्या चीज? मैम इसकी वॉल में सेलुलोज होता है. सेलुलोज होता है उसमें काइटिन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेन गुड. तो इसके अंदर मेन जो डिफरेंस रहता है एक तो इनकी वॉल का होता है. फंजाई की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड ऑफ काइटिन. और जो ओमाइसिटीज होती है इनमें मेनली क्या होती है? सेलुलोज की होती है.
ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, स्टैम्पिंग ऑफ आ जाता है। फिर होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में एग्जांपल आपके पास आ जाते हैं हार्ड रॉट। मैम फंजाई में भी तो सेलुलोज पाया जाता है, सेल वॉल में? नो, फंजाई की जो मेनली हम कहते हैं ना, इसमें काइटिन नहीं होगा मेनली। जो जैसे हम जनरली प्लांट में बात करते हैं, तो प्लांट में तो हम क्या देते हैं ना कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, बट मेजर कॉम्पोजिशन किस चीज की है वहां पे? तो फंजाई में जो मेजर कॉम्पोनेंट होता है दैट इज काइटिन, लेकिन इनके अंदर जो मेजर कॉम्पोनेंट होता है दैट इज सेल्यूलोज, काइटिन नहीं होता है यहाँ पे। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज होती है हार्ट रॉट ऑफ कोकोनट या फ्लोएम नेक्रोसिस। एल्गे से होने वाली होती है, एक ही एक दो एग्जांपल ही हम जनरली पढ़ते हैं, रेड रस्ट ऑफ मैंगो। ये ऐसा रस्ट है जो कि किससे, फंजाई से नहीं हो रहा है, जबकि एल्गे की वजह से हो रहा है, रेड रस्ट ऑफ मैंगो या पपाया या लीची। फिर निमाटोड्स होते हैं, निमाटोड्स से रूट नॉट करते हैं, ईयर कोकल जो आप पढ़ते हो ठीक है, टुंडू डिजीज वगैरह के अंदर, तो ईयर कोकल जो वीट में होती है दैट इज कॉज्ड बाय निमाटोड। हां जी डायरेक्टली फाइटोप्लाज्मा माइटोप्लाज्मा से। मैम वो कल्चर मीडियम का कुछ ये रहता है कि ये कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर सकते हैं फाइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मास को कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करवा सकते। हम आगे डिफरेंस भी देखेंगे, हम जब फंडामेंट पढ़ेंगे हम फाइटोप्लाज्मास फाइरोप्लाज्मा में भी डिफरेंस देखेंगे, हम इसमें और रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफरेंस देखेंगे, ये डिफरेंसेस हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हम कॉजेस की बात कर रहे हैं, तो कुछ जनरल डिजीज की हम बात करेंगे जो उस पर्टिकुलर पैथोजन की वजह से होती है। फिर हम जो जो कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं हम उनके बीच में डिफरेंसेस की भी बात करेंगे। फिर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है फिर आप बताना, हम वो चीज भी डिस्कस कर लें। मैम ये जो एल्गी है ये ग्रीन एल्गी होती है ना, क्योंकि रेड और ब्राउन भी होता है, तो ये ग्रीन एल्गी से होता है ना, रेड रस्ट ऑफ मैंगो पपाया लीची। हाँ ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं पढ़ा हुआ मेरा, बाकी मे बी अगर आपका कोई स्पेसिफिकली किसी सोर्स पढ़ा हुआ, कोई ऑथेंटिक सोर्स में आपने देखा है इस चीज को कि स्पेसिफाइड कौन सी एल्गी की वजह से होती है? इसका पैथोजन पढ़ा था तो मैम वो रेड था, मैम वही कंफ्यूजन है, बिकॉज जो ये रेड रस्ट होती है मैंगो के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है कि एक ऊपर पूरी रेडिश क्रस्ट बनती है यहाँ पर, ठीक है, तो जनरली मेरे अकॉर्डिंग या तो मे बी ग्रीन लाइक समथिंग होना चाहिए इसके अंदर। ओके आई विल कंफर्म, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। यस ओके, तो एक प्लीज काम करिएगा, कोई भी एक स्टूडेंट जो भी अभी स्पेसिफिक डाउट हैं जो हमें क्लियर सॉर्ट आउट कर रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास मुझे पर्सनली कोई भी एक स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, तो हम कल की क्लास से पहले पहले इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी अ ग्रीन एल्गी, ठीक है। ओके उसके बाद आपके पास आता है, अभी निमाटोड की हमने बात की थी, तो ईयर कोकल जो होता है ये एक एंग्विना नाम के, एंग्विना जो हम पढ़ते हैं एंग्विना ट्रिटिसाई, इसकी वजह से होता है। सिट्रस डिक्लाइन जो होती है इसमें भी स्लो डिक्लाइन फास्ट डिक्लाइन दो होते हैं, सिट्रस निमाटोड की वजह से होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है ये। फिर आपके पास इसके अलावा भी जैसे कुछ पैरासिटिक जो प्लांट्स होते हैं, डोडर, स्ट्राइगा, ओरोबैंकी, ये भी कुछ डिजीज को ट्रांसमिट वगैरह करने में, ट्रांसफर करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि डिजीज को कॉज करते हैं। ओके ओके, नाउ कम्स द मेजर पार्ट कि हमें टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी बहुत जरूरी। हेलो मैम। हाँ जी मैम, जो ईयर कोकोला फीट है वो तो बैक्टीरिया द्वारा भी होता है, निमेटोड और बैक्टीरिया दोनों द्वारा? नहीं 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 नहीं,
ये डिफरेंस मैम. हेलो फ्लेवी वेक्टर एक सेकंड मैम यही डाउट मेरा भी था, क्योंकि हम लोग मतलब एक बुक में पढ़े थे कि एयर कॉकल टुंडू और येलो ईयर रॉट. हां जी एयर कॉकल इज डिफरेंट, टुंडू डिजीज एंड येलो ईयर रॉट इज डिफरेंट. अगर सिर्फ और सिर्फ ईयर कोकल बोला जाता है तो ईयर कोकल वाला सिम्टम आता है मेनली निमेटोड की वजह से, राइट. जब टुंडू डिजीज बोला जाता है तब बोला जाता है कि जब तक निमेटोड अकेला है ये ईयर कोकल कर सकता है. जब ये निमेटोड जो क्लेविबैक्टर टिटिसाई, इसका भी नाम चेंज हो गया है, इसको बोला जाता है रथाई बैक्टरम टिटिसाई, रथाई बैक्टीरियम डिफरेंट नाम है इसका, अभी नाम चेंज होकर कॉर्निबैक्टीरियम भी बोलते हैं, रथाई बैक्टीरियम टिटिसाई भी बोलते हैं इसे. तो जब ये इस बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में काम करता है, जब ये दोनों का इन्फेक्शन होता है तब टुंडू डिजीज कॉज होती है, ये जिसको हम येलो ईयर रोट बोलते हैं. बट जब अकेला सिर्फ एक निमाटोड का इन्फेस्टेशन वहां पर हुआ है तो उस टाइम पे सिर्फ ईयर कोकल के सिम्टम्स आएंगे. जब निमाटोड बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में इन्फेक्ट करता है तब टुंडू डिजीज आता है. तो ये आपको बहुत स्पेसिफिकली वहां पर ध्यान रखना है कि उन्होंने ईयर कोकल बोला है या उन्होंने टुंडू डिजीज बोली है, क्योंकि ईयर कोकल में सिर्फ निमाटोड आएगा लेकिन टुंडू में निमाटोड और बैक्टीरिया दोनों इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, ओके ओके ओके. अब आता है आपके पास टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स आपको ऑलरेडी नोन है बहुत अच्छे से. जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं डिजीज. तो डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज का मतलब होता है कि एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ जाना किसकी वजह से, जब एक कंटिन्यूस कोई भी एक पैथोजेनिक एजेंट है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली इरिटेट कर रहा है प्लांट को, कंटिन्यूसली उस पर इन्फेक्शन कर रहा है, उसकी वजह से जो उसकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आने लग जाएंगे, जो एबनॉर्मेलिटी आने लग जाएगी, दैट इज नोन एज डिजीज. डिसऑर्डर आपको पता है कि जो नॉन इन्फेक्शियस होती है, क्योंकि डिजीज इन्फेक्शियस होती है वो आगे आगे जाके ट्रांसमिट होगी, लेकिन डिसऑर्डर ऐसा नहीं होता कि वो एक से एक प्लांट में ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो किसी एबायोटिक कॉज की वजह से होती है. अब चाहे वो कोई एडवर्स सॉइल की कंडीशन हो, चाहे वो एनवायरमेंट की कंडीशन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर बोलेंगे. ठीक है, अब आपके पास होता है टर्म, एक होती है डिजीज इंसिडेंस, एक होती है डिजीज सीवियरिटी. इसका सिंपल सा मतलब समझने में होता है कि अगर आपकी फील्ड के अंदर 100 प्लांट्स लगे हुए हैं तो उस 100 में से अगर 50 प्लांट्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो आप क्या बोलोगे कि 50% डिजीज इंसिडेंस है. यानी कि टोटल प्लांट में से कितने प्लांट के अंदर वो इन्फेक्शन आया है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, पर टोटल में से कितने नंबर ऑफ प्लांट्स में इन्फेक्शन आया है, दैट इज डिजीज इंसिडेंस. डिजीज सीवियरिटी कहाँ पर देखी जाए? डिजीज सीवियरिटी का मतलब होता है कि एक प्लांट के अंदर कितने पार्ट में या एक प्लांट का कितना एरिया उस डिजीज ने कवर किया है. यानी हो सकता है कि एक प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दो लीफ पे इन्फेक्शन आया, और एक प्लांट ऐसा है जिसकी लीफ, जिसकी स्टेम, ठीक है, जिसकी बर्ड्स, सब पे इन्फेक्शन आ रहा है. तो जितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है उतनी ज्यादा वो डिजीज सीवियर है. तो डिजीज इंसिडेंस में क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स अफेक्ट होते हैं. और ये जनरली डिजीज इंसिडेंस आप देखते हो जब कोई सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, जैसे विल्टिंग, विल्ट होती है, डैम्पिंग ऑफ होती है, या कोई निमाटोड की वजह से होती है. डिजीज सीवियरिटी देखी जाती है जब लीफ, स्टेम या सीड बॉर्न डिजीज होती है. यानी कि कितना एरिया उसने कवर किया है, कितना ज्यादा हर एक प्लांट पे डैमेज किया उसने. क्लियर हुआ दोनों टर्म्स के बीच में? यस मैम. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट आपके पास आती है हाइफा. हाइफा या जिसको प्लूरल फॉर्म मैम, जो सीवियरिटी है, जो इंसिडेंस है, मतलब उसमें प्लांट स्पेसिफिक रहेगा केवल सीवियरिटी में? सीवियरिटी में ऐसा होगा. सीवियरिटी में आप सीवियरिटी का कैसे पता लगाओगे? अब एक तो आपने ये बोल दिया कि आपके पास मान लो 50 प्लांट्स हैं, 50 में से 25 पे, या आप सीधा कह दो 20, चलो 20 प्लांट्स के ऊपर आया है इन्फेक्शन. ठीक है, अब वो इन्फेक्शन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इंसिडेंस बता रहे हो तो सिर्फ आप ये चीज बताओगे कि हाँ हमारे पास 50 प्लांट थे, उस पर 20 पे आ गया, दैट इज इंसिडेंस, कि इतने पे इंसिडेंस हुआ, इतने नंबर ऑफ प्लांट्स पे इन्फेक्शन किया है. ठीक है, सीवियरिटी में आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि हर एक प्लांट के ऊपर उसने कितना ज्यादा इन्फेक्शन किया है. तो जरूरी नहीं हो सकता ना कि अगर 20 प्लांट पे इंसिडेंस आ रहा है लेकिन वो 20 प्लांट पे अगर सिर्फ एक दो पत्तियों के ऊपर आ रहा है तो दैट इज नॉट सीवियर. सीवियर आप देखोगे जब आपको पता लगेगा कि प्लांट का एरिया कितना ज्यादा डैमेज किया है उसने, दैट इज सीवियरिटी. ठीक है,
समझ आया? यस मैम। तो उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स देखोगे, इसमें हर प्लांट का कितना एरिया, कितना मेजर ऑफ डैमेज, कितना ज्यादा किया उसने, वो सीवियरिटी बताएगी। ठीक है, फिर आपके पास आता है हाइफा, जिसको प्लूरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। हाइफी क्या होती है? सिंगुलर स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर, फंगस की एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, एक बेसिक उसकी, हाँ जी, थैलस की कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट आप कह सकते हो, या फंगस की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जिससे मिलके वो पूरा फंगस बनेगा। ठीक है, एक सिंगल जो उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज दी हाइफे। और हाइफेज जब बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, आपस में नेटवर्क बना लेते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? जनरली जब हम फंगस ग्रोथ देखते हैं, कल्चर वगैरह देखते हैं इसका, तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है। तो ये बहुत सारे हाइफे जुड़ के उनका मास जो है वो एक पूरी इसकी बॉडी फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जैसे इनकी मोड ऑफ फीडिंग एंड न्यूट्रिशन के हिसाब से आप कुछ चीजें पढ़ते हो, जैसे आपके पास होते हैं बायोट्रॉफ होते हैं, नेक्रोट्रॉफ होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है? मैम, अगर क्वेश्चन में आया कि फंजाई का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो हम लोग हाइफा बोलेंगे। हाइफे बोलेंगे, हाँ। तो फिर मैम, ये सेल और हाइफा के बीच में डिफरेंस क्या रहा? सेल तो देखो सारी जगह प्रेजेंट होती है, बट एक हमने बोला है कि उसकी एक बेसिक यूनिट। अब आप ये बोलते हो कि घर बनाने की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो सेल तो आप सब में बोलते हो, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि घर किससे बना है, तो इंटो से बना है, तो उसकी ब्रिक्स जो होगी वो इसकी एक स्ट्रक्चरल यूनिट बन गई है उसकी, तो स्पेसिफाइड नहीं कर पाओगे ना। कि अगर आप सब में सेल बोल दोगे, तो आप स्पेसिफाइड कैसे करोगे कि आप बात किसकी कर रहे हो? तो फंगल बॉडी की जो एक मेन स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसकी, जिससे मिलके वो पूरा फंगस बनता है, तो वो हाइफे की स्ट्रैंड्स होती हैं। तो वो हाइफे के फिलामेंट जब आपस में मिलते हैं, पूरा मास बनाते हैं, दैट फॉर्म्स द फंगस बॉडी। थैंक यू मैम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अभी इसके अंदर, जैसे बायोट्रॉफ पढ़ते हो आप, नेक्रोट्रॉफ, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, तो ये क्या होते हैं? तो पैरासिटिक आपको पता है, पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक वो होते हैं जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। पैरासिटिक वो होते हैं जो अपना, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना नरिशमेंट से किसी लिविंग होस्ट से ही ले सकते हैं। उनको अगर जिंदा रहना है, then they need a living host. वो सिर्फ अपने लिविंग होस्ट से ही अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ठीक है, सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो अपना न्यूट्रिशन डेड डिकिंग मैटर से लेते हैं, डेड डिकिंग मैटर या नॉन लिविंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दे आर सेप्रोफिटिक। ओके, then is necrotrophs. Necrotrophs क्या होते हैं? Necrotroph क्या करते हैं? That cause the death. पहले क्या करते हैं उनके ऊपर ग्रो करके, पहले उनकी डेथ करते हैं, उनको किल करते हैं, देन उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं डेड सेल से, यानी मारकर फिर खाएंगे उनको, यानी फिर न्यूट्रिशन लेंगे, दैट आर necrotrophs. ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं। फिर आपके पास आती है यहाँ पर दो टर्म, वन इज पैथोजेनिसिटी एंड वन इज पैथोजेनेसिस। तो इनके अंदर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जेनेसिस का मतलब आप कोई भी चीज के आगे ये वर्ड लगा दो, जेनेसिस इट मींस फॉर्मेशन, या फिर एक जो अकरेंस हो रही है, जो प्रोसेस चल रही है कोई चीज बनने की। ठीक है, पैथोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि इस पे वो सारे इवेंट्स इंक्लूड होंगे जिसकी वजह से वो डिजीज हो रही है। तो पैथोजेनेसिस एक पूरी चेन ऑफ इवेंट होती है कि उसके इन्फेक्शन होने से लेकर कि वो पैथोजन आया, वहां आकर ग्रो किया, उसने इस तरीके से इन्फेक्ट किया, फिर वो वहां पर मल्टीप्लाई हुआ, एंड एट द एंड आपका डिजीज सिम्टम आए। यानी जितनी टोटल चेन ऑफ इवेंट होती है जिसकी वजह से वो डिजीज होगी, दैट इज नोन एज पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिटी किसको बोलेंगे? कि ये उस पैथोजन की कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है कि वो डिजीज कर सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेसिटी एंड जेनेसिस। ठीक है, तो जेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी उस पैथोजन की एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी है कि वो डिजीज को कॉज कर सकता है। और पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि डिजीज को डेवलप होने में, डिजीज को होने, अकरेंस होने में जो भी इवेंट इंक्लूड है, उन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? पैथो जेनेसिस। अब ये तीन चीजें आपके पास आती है, वन इज साइन, वन इज सिम्टम, वन इज सिंड्रोम। तो साइन किसे बोलते हो आप?
मैम जो पैथोजन पार्ट होता है जो होस्ट पर सीन होता है यानी पैथोजन या उसका कोई पार्ट आपको दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप रस्ट को देखते हो तो वहां पर जब आपको ऐसे ब्लैक या ब्राउन कलर के स्पोर्स दिखेंगे यानी वो पैथोजन के पार्ट है. पैथोजन की खुद की आइडेंटिटी वहां पर आपको दिख रही है क्लियरली कि ये ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पोर्स हैं रस्ट के, तो दैट इज साइन. ये पैथोजन या उसका खुद का पार्ट अगर आपको प्लांट के ऊपर दिख रहा है, दैट इज साइन. सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे आप देखते हो कि वहां पर येलोइंग होने लग गई है किसी प्लांट के अंदर या वो प्लांट की ब्लाइट होने लग गई है, यानी पैथोजन के वहां पर अटैक या इन्फेक्ट करने के बाद प्लांट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उसके रिस्पॉन्स में वो रिएक्शन शो कर रहा है प्लांट, दैट आर द सिम्टम्स. ठीक है. और सिंड्रोम किसे बोलते हैं, जब बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पर एक कलेक्टिवली आते हैं, दैट इज नोन एज सिंड्रोम. यानी कि एक सीरीज ऑफ सिम्टम या मल्टीपल सिम्टम्स जब एक साथ आते हैं, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज सिंड्रोम. कि वहां पे आपको मोज़ेक भी दिख रहा है. हाँ जी मैम, जो आपने पीछे पैरासाइट और बायोट्रॉफ में उसका डिफरेंस बता दीजिए, बायोट्रॉफ और पैरासाइट में क्या डिफरेंस होगा? देखो पैरासिटिक और बायोट्रॉफ के अंदर मतलब मोर और लेस वैसे सिमिलर होते हैं कि दोनों को ही अपना न्यूट्रिशन जो है वो किससे मिलता है, लिविंग होस्ट से मिलेगा, राइट. ठीक है. अब इसमें जो फर्क आता है वो किसके बेसिस पे आता है, वो आता है कि जनरली इनके कल्चर करने पे आता है. ठीक है, कल्चर करने पे इन पे आता है कि आप जो बायोट्रॉफ्स होते हो आप उनको कल्चर नहीं कर सकते हो. ठीक है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि सारे बायोट्रॉफ पैरासाइट हैं लेकिन सारे पैरासाइट्स बायोट्रॉफ नहीं हो सकते. ठीक है मैम, एक बार साइन और सिम्टम के बीच में थोड़ा क्लियरली डिफरेंस बता दीजिए. ओके, देखो साइन का मतलब होता है जब आपको क्लियरली वहां पे पैथोजन का कुछ ना कुछ वहां पे चीज दिखनी चाहिए. अब एक तो आपके पास मान लो लीफ है, इस लीफ के ऊपर यहाँ पर आपको स्पोर्स दिख रहे हैं, पाउडर पाउडर स्पोर्स दिख रहे हैं. ठीक है, और इस लीफ के ऊपर आपको यहाँ पे ये लीफ यहाँ पर येलोइंग हुई हुई है. ठीक है, और थोड़ी सी ब्लाइट हो रही है, यहाँ से जल रही है ये. ठीक है, अब अगर आप इस दोनों में डिफरेंस, अब यहाँ पर स्पोर है, स्पोर कोई प्लांट की वजह से बन रहे हैं? नो मैम, नहीं बन रहे. किसकी वजह से है ये? पैथोजन. पैथोजन, पैथोजन खुद है यहाँ पे, उसका ही पार्ट है ये. यस मैम, पैथोजन आगे, पैथोजन ही स्पोर्स बना रहे हैं, पैथोजन का पार्ट ही है ये. यस मैम, तो ये क्या हो गया, साइन हो गया. लेकिन अब वो पैथोजन ने इन्फेक्ट किया तो इसके ऊपर चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, कि इसके अंदर ये येलोइंग होने लग गई है या ब्लाइट हो गई है यहाँ पर, ये ड्राई हो गई है लीव्स. तो ये क्या किया, ये इफेक्ट किसका है, प्लांट का है, ये प्लांट में चेंजेस आए हैं, तो दैट इज सिम्टम. सिम्टम, और जब ये मल्टीपल तरीके के सिम्टम्स आएंगे, ब्लाइट हो रहा है, मोज़ेक हो रहा है, इंटरवीन्स के अंदर क्लोसिस दिख रहा है आपको, जब मल्टीपल सिम्टम्स एक साथ आते हैं, वेरिंग सिम्टम्स आते हैं एक डिजीज के अंदर, तब उसको क्या बोला जाता है, सिंड्रोम बोला जाता है. ठीक है, ओके. तो ये आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्पोर्स दिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद आपके पास, अब आपके पास टर्म आती है विरुलेंस. सो व्हाट इज विरुलेंस, कि कितनी ज्यादा पैथोजेनिसिटी वो कॉज कर सकता है. हाईली विरुलेंट हम बोल देते हैं या ए विरुलेंट बोल देते हैं. हाईली विरुलेंट यानी कि इसकी बहुत ज्यादा हाई पैथोजेनिसिटी है, बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है. ठीक है, यानी कि ये उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना स्ट्रांगली पैथोजेनिक है, वो विरुलेंस होती है उसकी. ठीक है, कर सकता है कम ज्यादा, वो तो फिर आप सिर्फ इतना बता रहे हो कि हाँ ये डिजीज कर सकता है. अब कोई ऐसा है कि कोई बहुत जल्दी डिजीज कर देगा, बहुत हाईली डैमेज कर सकता है? कुछ पैथोजन होते हैं जो ठीक है थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कर देंगे, तो कितना स्ट्रांगली वो पैथोजेनिक है वो बताती है कि उसकी कितनी ज्यादा वो विरुलेंट है. और ए विरुलेंट किसे बोल दोगे, जो कि नॉन पैथोजेनिक होता है, जिसके पास वो विरुलेंस की कैपेसिटी नहीं है डैमेज करने की. ठीक है, अब एक आपके पास होता है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, कि वो पैथोजन है जो पैरासाइट है वो होस्ट के अंदर जाकर इस्टेब्लिश हो चुका है, तो मतलब उसने इन्फेक्ट कर दिया है. जब वो होस्ट के अंदर जाके खुद को इस्टेब्लिश कर लेगा, इट मीन्स उसने इन्फेक्शन कर दिया है. फिर एक होता है लेटेंट इन्फेक्शन. लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि बहुत बार ऐसा होता है
कि जो होस्ट है उसपे इन्फेक्शन हो जाता है बट आपको इनिशियली उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, यानी एसिम्टोमेटिक रिएक्शंस होती हैं वहां पे, आप इनिशियली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है? कोई आपको सिम्टम्स इनिशियली नहीं दिखेगा कि आपको पता लग जाए, आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ इसमें कोई डिजीज हुई है, तो आप नहीं कर पाओगे। इस तरीके के इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है, लेटेंट इन्फेक्शन, या हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर कहें तो एसिम्टोमेटिक रिएक्शन, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बीच में फर्क पता है क्या होता है? Yes, ma'am. क्या डिफरेंस हुआ इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस में? हम जो इन्फेक्शियस होते हैं वो फैलते हैं, मतलब स्प्रेड कर सकते हैं हेल्दी इन्फेक्शियस प्लांट से हेल्दी प्लांट तक, डिजीज से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा, और नॉन इन्फेक्शियस हो गए जो कि ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं हो सकते। ओके, अब ये दो तीन टर्म देखो। हां जी मैम, नॉन डिजीज क्यों बोला, इसे डिसऑर्डर तो पहले बोल ही दिया था। आपकी वॉइस स्लो आ रही है मैम, जिसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्यों बोला, तो डिसऑर्डर हो गया था ना पहले। हां तो जो हमने तभी डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या दी थी हमने, कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है बिकॉज ये किसी एबायोटिक एजेंट की वजह से हो सकती है, पैथोजन की वजह से नहीं होती, जिसको हम डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। अच्छा मैम, पैथोजन में ये हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स को भी वो कंसीडर कर सकते हैं कि पैथोजन में एबायोटिक फैक्टर्स भी कंसीडर होते हैं ना? नहीं, पैथोजन तो मैम सिर्फ और सिर्फ लिविंग होते, तभी इन्होंने डेफिनेशन पढ़ो ना इसकी, हम क्या लिखते होते हैं, जो लिविंग एजेंट्स होते हैं जो डिजीज कर सकते हैं, तो पैथोजन में नहीं देखे थे हमने, कॉजेज देखे थे कि कॉजेज तीन तरीके के हो सकते हैं कोई डिजीज या डिसऑर्डर के अंदर, पैथोजन लिविंग ही होता है, इसलिए यहाँ पर डिफाइन देखो क्या है कि अ डिजीज, या फिर आप इसको सीधा ही बोल सकते हो कि डिसऑर्डर, क्योंकि डिसऑर्डर बोलते ही आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कोई एबायोटिक एजेंट है, या फिर अगर आपने डिजीज के रिस्पेक्ट में देना है तो डिजीज जो कि किसी एबायोटिक एजेंट की वजह से हो रही है, ना कि किसी पैथोजन की वजह से, बिकॉज पैथोजन एक लिविंग एजेंट होता है। Okay. ठीक है, yes, ma'am. अब आपके पास आता है इनोक्यूलम, इनोक्यूलम पोटेंशियल, इनोक्यूलेट या इनोक्यूलेशन। अब ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है इनके अंदर टर्मिनोलॉजी में। इनोक्यूलम किसको बोला जाता है, यानी कि पैथोजन का जो पार्ट इन्फेक्शन करता है, बिकॉज हर बार सेम चीज नहीं होती है ना इसके अंदर। अब इसके अंदर यानी कि कौन सा पैथोजन का पार्ट जो है वो प्लांट के टच में आकर वहां पे इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है? तो इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, इसको आप क्या बोलते हो, इनोक्यूलम बोलते हो, कि कोई उसका स्पोर्स आ रहे हैं, किसी किसी के माइसीलियम डायरेक्टली ग्रो कर जाते हैं, तो पैथोजन का कौन सा पार्ट जो है वो इन्फेक्शन कर रहा है, दैट इज इनोक्यूलम, ठीक है? इनोक्यूलम पोटेंशियल क्या होता है, अब हो सकता है ना कि कोई एक ऐसा पैथोजन है कि जब वो वहां पर उसके 20 स्पोर्स इकट्ठे होंगे तब जाके इन्फेक्शन होगा, उसके 20 स्पोर्स मिलेंगे तब इन्फेक्शन कर सकते हैं, 20 से कम होगा तो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है? किसी में ऐसे होता है कि कोई बहुत स्लो ग्रोइंग है, उसको बहुत ज्यादा चाहिए, किसी में 50 होंगे तब चाहेंगे, यानी कि उसका पोटेंशियल कितना है, कितने नंबर ऑफ प्रोपेग्यूल्स उसके या कितने नंबर ऑफ पार्ट्स मिलकर इन्फेक्शन कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी मिनिमम चाहिए उसकी इन्फेक्शन करने के लिए, दैट इज इनोक्यूलम पोटेंशियल। इनोक्यूलेट करवाना, इनोक्यूलेट जैसे कि अगर हम जैसे पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, अगर हमें डिजीज की स्टडी करनी है तो हम क्या करवाएंगे, हम प्लांट लेंगे कोई भी होस्ट प्लांट, हम क्या करेंगे उस पैथोजन को कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे आर्टिफिशियली, ताकि हम देख सकें कि क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको इनोक्यूलेट करवा रहे हैं, यानी कि हम पैथोजन को होस्ट के साथ कॉन्टेक्ट में लेकर आ रहे हैं, ठीक है? और इनोक्यूलेशन क्या होता है कि उसके ट्रांसफर करवाने की जो प्रोसेस होती है दैट इज इनोक्यूलेशन, और जो हम करवा रहे हैं दैट इज इनोक्यूलेट करवा रहे हैं। समझ में आया चारों पॉइंट? मैम इनोक्यूलम पोटेंशियल एक बार बता दीजिए। देखो इनोक्यूलम पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, हाँ जी कोई और डाउट है ये बताऊं मैं? yes,
देखो इनोक्युलम पोटेंशियल का मतलब यानी उसमें कितनी कैपेसिटी उसको मिनिमम चाहिए इन्फेक्शन करने के लिए. कुछ ऐसे हो सकते हैं ना, मान लो अगर स्पोर्स से हो रहे हैं तो कुछ के 20 स्पोर्स मिलकर कर सकते हैं इन्फेक्शन. कुछ के अंदर ऐसा है कि 20 अगर होंगे ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है. कुछ ऐसे पैथोजन हो सकते हैं, रस्ट का कुछ और फंक्शन होता है कि रस्ट के स्पोर्स कुछ और चाहिए, पाउडरी मिल्ड्यू में ऐसा होगा कि डिफरेंट होगा. तो यानी कि कितनी मिनिमम कैपेसिटी उसको चाहिए इन्फेक्शन करने के लिए, वो उसका पोटेंशियल है. ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोपेग्यूल्स या उनकी कितनी कैपेसिटी चाहिए इन्फेक्शन को करने के लिए. ठीक है, फिर इसके अंदर चारों टर्म्स क्लियर हो गए. प्रोपेग्यूल्स क्या होता है? प्रोपेग्यूल्स, प्रोपेग्यूल्स जैसे प्लांट में आप नहीं बोलते हो कि कितने प्रोपेग्यूल्स हैं, इसका पार्ट क्या होता है, उसके पार्ट को बोला ना, मतलब पैथोजन का कौन सा पार्ट है. अच्छा देखो इसके अंदर क्या है कि प्रोपेग्यूल्स यानी सीधा सा बोल दिया कि पैथोजन का कौन सा पार्ट इंक्लूड है. जैसे कि फंजाई में मेनली क्या होते हैं, स्पोर होते हैं. बैक्टीरिया में बात करते हो तो बैक्टीरिया में भी कुछ उसकी सिस्ट हो सकती हैं या कुछ स्पोर हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से प्रोपेग्यूल का मतलब है कि पैथोजन का कौन सा पार्ट, कोई भी पार्ट जो इन्फेक्शन कर रहा है, तो वो कितने नंबर में चाहिए आपको. जनरल टर्म बोल सकते हैं. हाँ जी, वो जनरल टर्म है उसकी, वो कोई स्पेसिफाइड एक चीज के लिए नहीं बोला है. प्रोपेग्यूल यहाँ पर सिर्फली यूज किया है कि पैथोजन का कोई भी पार्ट जो इन्फेक्शन कर सकता है वो कितने नंबर में आपको चाहिए इन्फेक्शन करवाने के लिए. किसी किसी में ऐसे होता है कि अगर एक ही स्पोर होगा तो भी वो इन्फेक्शन कर जाएगा, लेकिन किसी किसी में ऐसे होता है कि अगर 20 या 50 स्पोर्स चाहिए कम से कम इन्फेक्शन करने के लिए. ठीक है, तो मैम इसको थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं मैम. मतलब उसका पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल चाहिए इनोक्युलम का आपको मिनिमम. मिनिमम नंबर, यस मैम. ठीक है, ओके मैम. ओके, उसके बाद आता है कोई स्पोर नेचुरल जा रहा है तो उसे इनोकुलेशन बोलेंगे और हम करवा रहे हैं उसे इनोकुलेट बोलेंगे खाली. नहीं 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 नहीं, उसके वहां पर ट्रांसफर होने की प्रोसेस इनोक्युलेशन है. इनोक्युलेट बोलोगे जैसे आप क्या बोल देते हो उसे कि इनोक्युलेट है कि आप कॉन्टेक्ट में लेकर आ रहे हो, वो जो टास्क आप कर रहे हो ना, जो काम कर रहे हो वो इनोक्युलेट है, और वो पूरी प्रोसेस को आप इनोक्युलेशन बोल रहे हो कि आपका पैथोजन वहां गया, कॉन्टेक्ट में आया. और इनोक्युलेट है कि आप पैथोजन को लेकर कॉन्टेक्ट में लेकर आ रहे हो. नेचुरल आर्टिफिशियल का नहीं है, प्रोसेस का है, और जो आप काम कर रहे हो उसका है. काम क्या कर रहे हो, इनोक्युलेट करवा रहे हो, उसको कॉन्टेक्ट में लेकर आ रहे हो, और ये प्रोसेस जो चल रही है उनके कॉन्टेक्ट में आने की, दैट इज इनोक्युलेशन प्रोसेस. ठीक है, अच्छा मतलब एक शॉर्ट में अगर हम देखें इसका, तो ये मान लो उसके स्पोर हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, तो ये स्पोर हो गए उसके इनोक्युलम, यानी कि ये प्लांट का ऐसा पैथोजन का ऐसा पार्ट है जो इन्फेक्शन कर सकता है, ये उसका इनोक्युलम है. सेकंड टर्म है कि ये इसका कितना नंबर चाहिए इन्फेक्शन करवाने के लिए, वो उसका क्या हो गया, इनोक्युलम पोटेंशियल. ठीक है, अब ये स्पोर लिया, ये प्लांट के कॉन्टेक्ट में लेकर आए, यानी इसको कॉन्टेक्ट में लाना यानी आप इनोक्युलेट करवा रहे हो पैथोजन को, प्लांट में इनोक्युलेट करवा रहे हो. और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे कि ट्रांसफर होने की प्रोसेस क्या होती है, इनोक्युलेशन. ठीक है, ओके. अब आपके पास आता है एक टर्म होती है आइसोलेशन. वैसी आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, पढ़ते हो ना कोविड के अंदर, आइसोलेशन क्या है, व्हाट इज आइसोलेशन. सेपरेशन है ना, तो सेपरेशन यानी कि अब क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि आपने पैथोजन को होस्ट से अलग किया. कैसे किया, आइसोलेट करने का मतलब होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर उसका लीफ के ऊपर उसका इन्फेक्शन था, यहाँ पे पैथोजन का इन्फेक्शन है, इस लीफ को तोड़ा, इतने पोर्शन को अपने प्लांट से अलग किया कट करके और उसको कल्चर में ग्रो करवाया, यानी आपने पैथोजन को उसके होस्ट से अलग किया और न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो करवाया, दैट इज आइसोलेशन. उस प्रोसेस को बोलते हो आइसोलेट. क्या होता है, जिसको किया अलग, जो एक सिंगल स्पोर जो आपने किया है वहां से, उसको आप उसको आइसोलेट बोलोगे, ये आपका आइसोलेट है जिसको जिसको अलग किया, दैट इज आइसोलेट. और इसको अलग करने की प्रोसेस को क्या बोला गया,
आइसोलेशन. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक आपको पता है कि ऐसा कोई भी बहुत स्मॉल चीज जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो. देन इज पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि वो पैथोजन जो है वो होस्ट के अंदर अंदर पेनिट्रेट किया गया, अंदर इन्वेड किया उसने इनिशियली. ठीक है, फिर होता है एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, एक होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन. प्राइमरी इन्फेक्शन होता है कि सबसे पहले वो प्लांट जो है पहली बार उस पैथोजन के कॉन्टेक्ट में आया, पहली बार इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है, जैसे कि मान लो कि गर्मियों की कोई क्रॉप है, ठीक है, तो या फिर सीधा सा मान लो ठीक है सर्दी है वीट है आपकी, ठीक है, तो ये वॉइस नहीं आ रही आपकी. कोई डाउट है? ओके देखो, प्राइमरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब क्या है, मान लो कोई विंटर की क्रॉप है, ठीक है, उस विंटर जैसे वीट है, तो वीट सर्दियों में, तो सर्दियों में आने के लिए वो पैथोजन पहले क्या है कि पूरी गर्मियों के अंदर मान लो सॉइल के अंदर सर्वाइव किया या कहीं और किसी अपने होस्ट के ऊपर सर्वाइव करके रखा हुआ है, अल्टरनेट या कोलेटरल होस्ट के ऊपर. ठीक है, तो जब यहाँ पर वीट आएगी तब पहली बार ये ओवर समरिंग करने के बाद, पूरी गर्मियां वेट करने के बाद जब पहली बार जाके इन्फेक्ट करेगा वीट को, दैट इज द प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी कि प्लांट के ऊपर पहला इन्फेक्शन हुआ है ओवर समरिंग या ओवर विंटरिंग पैथोजन के ऊपर. ठीक है, और जो उसके स्पोर या जो भी उसका पार्ट करेगा वो प्राइमरी इनोक्युलम हो जाएगा आपका. सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है कि अभी एक प्लांट के अंदर हो गया इन्फेक्शन, अब इससे बाकी प्लांट में सेम सीजन में फैलेगा, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट पूरी फील्ड में फैलेगा, वो क्या हो जाएगा इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन, जब स्प्रेड होगा वो आगे. ठीक है, और जो स्पोर करेंगे दैट इज सेकेंडरी इनोक्युलम. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी इन्फेक्शन क्लियर है? यस मैम. ट्रांसमिशन क्या होता है मैम, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन में होगा तो जो उसकी जनरेशन दूसरी जनरेशन आएगी वो अगर उसी प्लांट में उसी ईयर में उसी सीजन में करेगी इन्फेक्शन तो उसे क्या कहेंगे? अगर सेम वहीं पे मतलब कंटिन्यूसली उसी सेम सीजन के थ्रू हो रही है, बीच में कोई ओवर समरिंग ओवर विंटरिंग नहीं हो रहा है, सेम सीजन में वहीं पे अफेक्ट हो रही है, तो फिर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा क्योंकि वो उसी प्लांट से स्प्रेड हो रहा है. अब वो डोरमेंसी में नहीं गया आपका पैथोजन, एक बारी उसको क्रॉप मिल रही है कंटिन्यूसली अपनी, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन ही चलेगा वहां पर. जब उस पर्टिकुलर सीजन में पहली बारी मतलब रेस्टिंग करने के बाद पहली बारी इन्फेक्शन किसी एक प्लांट पर होता है, दैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन. फिर अगर वहीं से कंडीशन में इनोकुलम कौन सा होगा, फर्स्ट मतलब प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी? जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तब सेकेंडरी इनोकुलम होगा. जैसे कि अगर रस्ट की बात करते हैं, वीट रस्ट के अंदर, तो जो इसके यूरिडियो स्पोर्स होते हैं वही क्या करते हैं, जैसे रेस्ट करते हैं जब, रेस्टिंग स्पोर होते हैं तो वो रेस्ट करते हैं जब, तो फिर वो अपने अल्टरनेट होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ओवर समरिंग करते हैं. फिर जैसे ही पहली बार वीट लगती है तो वहाँ पे वीट में जब वो पहली बार अपने अल्टरनेट होस्ट से पहली बार वीट को इन्फेक्ट करेंगे वो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा. अब अगर उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर एक बार इन्फेक्शन होने में उसी सीजन में वो आगे जितना भी आगे स्प्रेड करेंगे जो स्पोर्स होंगे आगे, फिर वो सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन में इंक्लूड होंगे जब तक उसकी प्रॉपरली हार्वेस्टिंग या वो खत्म नहीं हो जाता, वो सीजन दोबारा वो रेस्टिंग स्टेज में नहीं चले जाते तब तक सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा. ठीक है, मतलब होता है कि अगर सर्दियों की क्रॉप है, सर्दी में मेनली होस्ट आ रहा है उसका, तो पूरी गर्मियां तो वो रेस्ट में रहेगा ना, और अगर गर्मियों की क्रॉप है तो पूरी सर्दी रेस्ट में रहेगा. ओवर विंटरिंग तो वो स्पेसिफिकली यूज करता है, मतलब विंटर के क्रॉप्स के लिए ओवर समरिंग और जो समर समरिंग होगी और समर उसके लिए ओवर विंटरिंग, इसलिए उन्होंने बोला ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग. Okay. है ना, कि अगर स्पेसिफाइड नहीं किया ना कि विंटर है समर है, तो दोनों इंक्लूड कर लिए हमने. ओके ओके, उसके बाद आता है ट्रांसमिशन. क्या होगा कि एक जनरेशन में मैम, हां जी मैम, उसी सीजन में जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो एक बार तो इनोकुलेशन हो चुका होगा, तब उससे सेकेंडरी इनोकुलेशन क्यों कहेंगे दोबारा? तो सेकेंडरी बोलेंगे ना उसे, सेम सीजन में उसी प्लांट से तो वहीं तो स्प्रेड हो रहा है, अभी तो बीच में कोई ओवर समरिंग ओवर विंटरिंग का पीरियड तो नहीं आ रहा ना, रेस्टिंग में तो गया ही नहीं वो दोबारा. सिर्फ इतना याद रखना कि अगर वो रेस्टिंग में जा रहा है उसके बाद दोबारा उसको अपना होस्ट बीच में नहीं मिल रहा है, तब उसके बाद दोबारा जब होगा तब प्राइमरी होगा,
अगर कंटिन्यूसली होस्ट मिल रहा है तो सेकेंडरी स्प्रेड ही चल रहा है, एक पहली बारी तो हो गया उसका रेस्टिंग में आने के बाद। इसको इतना टिपिकल लेकर मत चलो, ज्यादा कंफ्यूज हो गए। सिंपल सी चीज है कि प्राइमरी इन्फेक्शन होता है जब एक बार रेस्टिंग पीरियड होने के बाद पहली बारी प्लांट में इन्फेक्शन हो रहा है आपकी क्रॉप में, दैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन। उसके बाद वहां से सिर्फ वो स्प्रेड हो रहा है बाकी अपने पूरे फील्ड के अंदर, दैट इज सेकेंडरी। फिर होता है कल्चर। कल्चर होता है कि जब आप आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अपने जैसे कल्चर मीडियाज बना के रखते हो, तो उसके अंदर जब आप आर्टिफिशियली फंगस वगैरह को, बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करवाते हो, दैट इज नोन एज कल्चर, आपके कल्चर होते हैं। ओवर समरिंग, ओवर विंटरिंग का मतलब होता है कि अगर आपका सर्दियों में क्रॉप में इन्फेक्ट करने वाला होता है तो वो गर्मियां अपनी रेस्टिंग पीरियड में निकाल लेगा, तो वो ओवर समरिंग हो जाएगी कि विंटर की क्रॉप है तो पूरी समर उसको अपना होस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो पूरी ओवर समरिंग अपना निकालेगा रेस्ट में, चाहे सोइल में रह के निकाले चाहे किसी दूसरे होस्ट पे रह के निकाले। और अगर गर्मियों की क्रॉप है तो अपनी विंटर वो ऐसे निकालेगा रेस्ट में, दैट इज ओवर विंटरिंग। फिर होता है इम्यून। इम्यून होता है कि जिसके ऊपर पैथोजन का अफेक्ट होगा ही नहीं, इम्यून है वो प्लांट, इन्फेक्शन होगा ही नहीं उस पर। फिर होता है रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट होता है, नाम क्यों रेजिस्टेंट बोलते हैं इसको, कि इन्फेक्शन करेगा लेकिन ये उसकी डेवलपमेंट को कम कर देता है। इन्फेक्ट होता है लेकिन उसकी डेवलपमेंट कम कर देगा ये, वहां पर बहुत लिटिल या ना मात्र सा उसके ऊपर इन्फेक्शन आता है। ससेप्टेबल होता है, जिसके अंदर उसको रोकने की कैपेबिलिटी नहीं होती है प्लांट के अंदर, वो रोक नहीं सकता है पैथोजन को, ठीक है। फिर आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि अब देखो रेजिस्टेंट और टॉलरेंस में फर्क क्या होता है। रेजिस्टेंट एक होता है, रेजिस्टेंट आपके पास एक होता है, आपके पास टॉलरेंस एक होता है, आपके पास इम्यून, ठीक है। तो टॉलरेंस के अंदर क्या होता है कि ये टॉलरेंट, आप किसको बोलते हैं कि ये बंदा बहुत टॉलरेंट है, तो टॉलरेंट का मतलब है कि अब वो सामने वाले को तो कुछ नहीं कर सकता, अब ये पैथोजन की डेवलपमेंट पे कोई अफेक्ट नहीं डाल सकता, ये सिर्फ क्या करता है खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो ये उसकी खुद की एबिलिटी होती है कि ये उसको झेल कर रख लेगा, मतलब अपनी ईल्ड को कम नहीं होने देगा चाहे वो पैथोजन अटैक करता रहे, ठीक है। और जो रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट का मतलब है कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है स्टिल वो क्या करता है, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उसकी डेवलपमेंट को कम कर देगा पैथोजन की। और इम्यून है कि वो इन्फेक्शन खुद पे होने ही नहीं देता है। फिर एक होता है डिसइन्फेक्टेंट, एक होता है डिसइन्फेस्टेंट। डिसइन्फेक्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा कोई भी एजेंट जो प्लांट को इन्फेक्शन से बचाता है, और इन्फेस्टेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ग्रोथ होते हैं, सिर्फ सरफेस को क्लियर कर सकता है, इंटरनली नहीं कर सकता। तो डिसइन्फेस्टेंट क्या होता है, ऐसे केमिकल एजेंट जो प्लांट की सरफेस के ऊपर यानी कि उसके अंदर जाने से पहले सरफेस पे उसको रोक सकते हैं, वो इन्फेस्टेंट होते हैं। इन्फेक्शन होता है जो उसको अंदर से, इन्फेक्टेंट होता है जो अंदर चला गया उसको भी किल कर देगा वो, ठीक है। फंजीसाइड आपको पता है कि ऐसे कोई भी केमिकल जो फंगस को किल करते हैं। इन्फेस्टेंट एक बार फिर से बताइए। देखो पहले पैथोजन इसकी सरफेस पे आएगा, बाद में अंदर एंटर करेगा। सरफेस के ऊपर ही अगर वो पैथोजन सिर्फ सरफेस पे रहने वाला है, सरफेस पे रहते रहते उसको कोई केमिकल अगर किल कर सकता है, वो इन्फेस्टेंट होता है। और इन्फेक्टेंट होता है कि वो अंदर से मार सकता है, अगर वो अंदर चला गया यानी कि ऐसा केमिकल होता है जो अंदर जाके उस पैथोजन को किल कर सकता है। लेकिन इन्फेस्टेंट सिर्फ सरफेस वालों को किल कर सकता है, वो अंदर वाले पैथोजन को किल नहीं कर सकता। बैक्टीरियासाइड ऐसे कंपाउंड जो बैक्टीरिया किल कर सकते हैं। माइकोलॉजी जिसमें हम फंगस की स्टडी करते हैं, निमेटोलॉजी जिसमें हम निमेटोड्स की करते हैं, वायरो जिसमें हम वायरस की करते हैं, बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। एक होता है इरेडिकेशन, एक होता है एक्सक्लूजन। इरेडिकेट करने का मतलब होता है एकदम जड़ से खत्म कर देना, कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना, यानी कि एक ऐसा प्रिंसिपल होता है डिजीज को कंट्रोल करने का जिसके अंदर हम पैथोजन को कंप्लीटली एलिमिनेट करते हैं, कि अगर वो पैथोजन आ गया हमारी फील्ड के अंदर या कंट्री या स्टेट जहां पर भी, अगर वो पैथोजन एक बार आ गया तब उसको कम्प्लीटली अगर खत्म करना है तब उसको क्या बोलते हो, इरेडिकेशन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है जैसे क्वारंटाइन लगाया जाता है, तो क्वारंटाइन मेजर्स इसलिए लगाया जाता है ताकि हम एक्सक्लूड कर सके उसको आने ही ना दे। यानी मान लो कि अगर कोई पैथोजन है वो गुजरात के अंदर इन्फेक्ट कर रहा है तो राजस्थान के अंदर उसको ना आया जाए, तो यहाँ बॉर्डर पे उसको एक्सक्लूड किया जाता है, उस पर्टिकुलर क्रॉप को या उसके कोई भी पार्ट को अंदर एंट्री नहीं दी जाती ताकि वो पैथोजन आ सके। तो एक्सक्लूड करने का मतलब होता है कि आप डिजीज को आने से प्रिवेंट कर रहे हो, कि जिस एरिया के अंदर वो पैथोजन नहीं है उस एरिया में आने से उसे रोक रहे हो, दैट इज एक्सक्लूजन।
क्वारंटाइन होता है लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाना कि कोई भी प्लांट या प्लांट पार्ट जो है उसके ट्रांसपोर्ट पे आप लीगली कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, रोक लगा देते हो, ताकि पेस्ट या पैथोजन की ट्रांसपोर्ट को आप रोक सको, उसके स्प्रेड को रोक सको। फिर होता है रेस। हम बोलते हैं ना कि इस पैथोजन की डिफरेंट रेसेस होती हैं। रेस का मतलब होता है ये पैथोजन का एक सब ग्रुप होता है, यानी कि पैथोजन की स्पीशीज जो है। अब जैसे पक्षी में ग्रामिनिस। हाँ जी मैम, क्वारंटाइन और आइसोलेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? हेलो, आइसोलेट करने का मतलब तो सिर्फ ये होता है ना, देखो आइसोलेट तो आप अपनी फील्ड में भी करते हो कि आप आइसोलेशन, जब हम हाइब्रिड कोई भी सीड बनाते हैं तब आप क्या करते हो, उसके अंदर दो डिफरेंट फील्ड के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस रखते हो, ताकि एक फील्ड से दूसरी फील्ड के अंदर भी कोई पैथोजन या फिर कोई उसका प्लांट पार्ट ना चला जाए, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। क्वारंटाइन होता है जब लीगली लो लगाया जाता है उस चीज के ऊपर कि आप ट्रांसपोर्ट रोक रहे हो उसको, चाहे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने से रोक रहे हो, चाहे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आने में रोक रहे हो, यानी जहां पर वो पहले है ही नहीं वहां पर आने से उसे रोकना, दैट इज क्वारंटाइन। एक्सक्लूड कर रहे हो उस एरिया में आने से। आइसोलेशन तो नॉर्मली डिस्टेंसिंग अपनी फील्ड में भी करते हो, जब आप हाइब्रिड बनाना होता है कि ठीक है इस प्लांट का कोई पार्ट या पोलन वगैरह ना आ जाए यहाँ पे, तो नॉर्मल आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हो। क्वारंटाइन मतलब एक ब्रॉड टर्म में बोल सकते हैं, क्वारंटाइन एक लीगली लो लगाया जाता है जिस चीज पे कि अब जैसे आप बोलते हो कि वहां पर नीलगिरी हिल्स के अंदर जो पोटैटो के अंदर निमेटोड होता है, तो नीलगिरी हिल से कोई भी जो पोटैटो ट्यूबर है वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता किसी भी स्टेट के अंदर। वहां पे लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि दूसरे एरियाज जहां पर वो ऑलरेडी है ही नहीं तो वहां पर उसको आने से रोक रहे हो आप। इसी तरीके से फॉरेन के अंदर भी कोई भी, अगर मान लो कि वीट की या कोई भी, जैसे अमेरिका में अगर कुछ है कोई पैथोजन है तो अमेरिका से उस पर्टिकुलर क्रॉप को कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं करवाया जाएगा, और अगर वहां से कोई प्लांट पार्ट को लाना है तो उन्हें एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा सारे लीगल तरीके से कि हाँ ये जो हमारा प्लांट हम दे रहे हैं एक्सपोर्ट करवा रहे हैं कि बिल्कुल डिजीज फ्री है, तब वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइसोलेशन का इसमें वो इंक्लूड नहीं होता है इसके अंदर। क्वारंटाइन होता है जब लीगली आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। आइसोलेशन तो एक जनरल सी टर्म है कि आप आइसोलेशन जनरली हम दूसरे प्लांट से करके आप उसको थोड़ा सेपरेट कर रहे हो, एक डिस्टेंस पे रख रहे हो। फिर होती है आपके पास रेस। क्या होता है कि पैथोजन का एक सब ग्रुप होता है, जैसे पक्षीनिया ग्रामिनिस है तो पक्षीनिया ग्रामिनिस की भी आगे रेसेस होती हैं, ठीक है। एक पैथोजन का छोटा सब ग्रुप होता है उसकी स्पीशीज के अंदर भी, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर वेराइटी को ही मतलब अफेक्ट कर सकता है। अब वीट की मान लो 7 वेराइटियां हैं तो एक रेस हो सकती है सिर्फ 2 वेराइटी को करे, एक ऐसी रेस हो सकती है जो 4 वेराइटी को अफेक्ट कर सकती है। तो स्पीशीज के अंदर भी एक सब ग्रुप होता है रेसेस, जो किसी पर्टिकुलर प्लांट वेराइटी को ही अफेक्ट करती है, इन्फेक्ट करती है, ठीक है। सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है? एक सिस्टेमिक होता है, कॉन्टेक्ट होता है। सिस्टेमिक का मतलब होता है कि जब वो पूरे प्लांट में फैल जाएगी। एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है सिस्टेमिक। लोकलाइज्ड होता है कि जैसे मान लो कि अगर पैथोजन ने लीफ पे इन्फेक्ट किया ना तो उसका इन्फेक्शन सिर्फ यहीं रह जाएगा। सिस्टेमिक में क्या होता है कि मान लो अगर रूट पे कर दिया या लीफ पे कर दिया तो धीरे धीरे वो उसके पूरे प्लांट में फैल जाएगा, लीफ में, स्टेम में, रूट में, ब्रांचेज में, सब में आ जाएगा। वो होता है सिस्टेमिक, यानी जो डिजीज जो है, वो जो पैथोजन है वो पूरे प्लांट के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, दैट इज सिस्टेमिक। इसी तरीके से जो फंजीसाइड आप यूज करते हो, ऐसा केमिकल एजेंट जो पूरे प्लांट में फैल के सारे फंगस इन्फेक्शन को किल कर दे, वो सिस्टेमिक फंजीसाइड होती है, ठीक है। अब वेक्टर क्या होते हैं? अगर जो पैथोजन है वो इंटरनली मतलब स्प्रेड हो या एक्सटर्नली, दोनों कैटेगरी में रखे हैं। एक्सटर्नली स्प्रेड कैसे हो? इन्फेक्शन तो अंदर जाके करेगा, अंदर जाके पूरे प्लांट में फैलेगा, सरफेस पे कैसे जाके फैल जाएगा? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है वॉइस? आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो इन्फेक्शन जब करता है तब पैथोजन इन्फेक्शन करेगा, तो वो इन्फेक्शन तो अंदर जाके करेगा ना मैम? जैसे एक तो फिटिक जो फंजाई होते हैं वो तो बाहर से भी, तो वो तो सरफेस पे ही रहते हैं मोस्टली, सरफेस पे करवाते हैं, पर वो कुछ ना कुछ अंदर न्यूट्रिशन लेने के लिए फिर वो अपना कुछ जो होस्टोरिया वगैरह कुछ तो अंदर पेनिट्रेट करवाएंगे उसके अंदर, यानी जब वो आगे स्प्रेड होगा, अगर उसका इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है
पूरी बॉडी, अगर उसके पूरे प्लांट के ऊपर आपको सिम्टम दिख रहा है उसको बस आप सिस्टेमिक बोल दोगे। अगर वो सिम्टम सिर्फ एक प्लांट पार्ट के ऊपर ही मतलब रहेगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा ना वहां पे, फिर वो लोकलाइज्ड रह जाता है। समझ आया? तो मैम जो मतलब इसको नहीं रखेंगे जो बाहर से दिखे, मतलब आउटर सरफेस से जो रहेगा, इसके अंदर आउटर या इनर का नहीं है। इसमें सिस्टेमिक और लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि अगर वो पैथोजन सिर्फ एक ही स्पॉट के अंदर है, एक ही प्लांट पर जहां पर उसने इन्फेक्शन किया है वो सिर्फ वहीं पर रुक जाएगा, तब आप उसको बोलोगे कि वो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है। और अगर वो उसका इन्फेक्शन एक जगह होने के बाद आगे पूरे प्लांट में फैल गया, उसका इन्फेक्शन पैथोजन आगे आगे पूरा मल्टीप्लाई करता रहा पूरे प्लांट में, फिर वो उसको बोलोगे कि सिस्टेमिक है। ठीक है, ओके। सो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके अलावा हम बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो एक बार यहाँ तक आप रिवाइज करके आइएगा, कुछ भी डाउट होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में क्लियर करिएगा। हम जो थ्योरी का पोर्शन है पैथोलॉजी का, किस बुक से कवर करें? थ्योरी के अंदर देखो डिफरेंट डिफरेंट है आपके पास, ये एक बार मैं कल डिस्कस करूंगी क्या क्या मेनली, जैसे जो आपके एंग्रू के नोट्स हैं प्रिंसिपल्स वगैरह के, वो हम उसको कंसीडर करेंगे, एंग्रू या जो एग्रीमून के नोट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर आपको डिजीज के आपके पास फुल टाइम है, आप साथ साथ थोड़े डिजीज की डिटेल देखना चाहते हो, आप एग्रियोज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप जैसे थोड़ा बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है तो आप आर एस सिंह की बुक को ले सकते हो। मैम एचसी दुबे, फंडामेंटल एचसी दुबे आपके आएंगी इसके लिए, वो माइकोलॉजी मैं ऐसे फंडामेंटल्स की बात की थी, माइकोलॉजी वायरोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी के लिए आप एचसी दुबे को ही फॉलो करना क्योंकि हम उसी का फंडामेंटल के लिए आर एस सिंह ले सकते हो, जीएन एग्रीओ ले सकते हो। बाकी ऑन एंड ऑल अगर प्रिंसिपल्स का पोर्शन है तो एंग्रू एग्रीमून से कवर हो जाएगा, बाकी जितना क्लास में करवाएंगे उससे बेसिकली आपका प्रिंसिपल्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। मैं शेयर कर दूंगी आपको, एग्रीओस की पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, एग्रीओस चेक करनी होगी, और बाकी एग्रीमून वगैरह की आपको मिल जाएगी। आप एक बार इनिशियली उससे स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा एडवांस लेवल पे चलना, एक बार बेसिक कवर करना है तो एक बार आप एंग्रू या उसको कवर कीजिए, पहले आप बेसिकली क्लास नोट्स देखिए। हाँ जी मैम, जो एचसी दुबे की बुक है वो बहुत डीप है, मतलब उसके क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन है, तो वो सब पढ़ना है। अभी कह रही हूँ ना मैं कि पहले क्लास में जो करवाए आप उसको समझिए, आपको समझ आएगा फिर आपको बुक पढ़ने में इजी होगी, बिकॉज बुक पढ़ना जरूरी है। तो बुक पढ़ने के लिए आपको पहले बेसिक समझ आना चाहिए, जब को एक बार यहाँ पर क्लास में समझ आ जाएगा फिर आप बुक पढ़ोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लासेस मत मिस कीजिए, जितना क्लास मैक्सिमम हो क्लासेस लगाइए, अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी कोई नहीं होती है क्लास में जो कवर करवाए, फिर उसको रिवाइज करने के लिए आप बुक या दूसरा सोर्स लीजिए तो आपको वो अच्छे से समझ आ पाएगा। मैम एक क्वेश्चन था, वो जो बोर्डेक्स मिक्सचर है उसका पर्टिकुलर ईयर में। हेलो मैम, वो बोर्डेक्स मिक्सचर है उसका जो पर्टिकुलर ईयर डिस्कवरी का, वो 1882 या 85 है? ये देखो एक्चुअल में इसकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चलती है, बिकॉज इसके अंदर ऐसा है कि पहली बार वो कब देखा था इन्होंने, और उसके बाद जब इसका प्रॉपर कमर्शियली जो बनाया था वो कब बनाया था, तो किसी किसी जगह 82 भी आता है, कभी कभी 85 भी आता है, तो ज्यादातर मेरे अकॉर्डिंग 82 में पहले किया था इन्होंने। बाकी एक बार किसी सोर्स से देख लेंगे या पास्ट ईयर पेपर में एक बार कंफर्म कर लेंगे। मैम मैम एक क्वेश्चन था, मैम ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो अबायोटिक फैक्टर के कारण कॉज होती है, तो जो खैरा है वो भी तो अबायोटिक डिजीज हुई, तो ये डिसऑर्डर है, तो इसको डिजीज क्यों कहते हैं हमेशा? क्या चीज? खैरा डिजीज मैम, खैरा जो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है राइस में, उसको हमेशा खैरा डिजीज क्यों कहा जाता है जबकि वो तो डिसऑर्डर हुआ ना? तो और भी सिम्टम्स आते हैं ना इसके अंदर, डिजीज वाले सिम्टम्स भी आते हैं इसमें। हाँ तो इसके अंदर सिम्टम्स और भी आते हैं ना इसके अंदर,
डिसऑर्डर भी कंसिडर होता है बट ठीक है उसका एक पार्ट ही कंसिडर कर लेते हैं डिजीज के अंदर. ठीक है बाकी कोई भी डाउट हो एक बार थोड़े से मुझे अर्जेंट है मैम, तो इसका पीपीटी मिल जाएगा कि नहीं? हाँ ये ग्रुप में अपलोड हो जाएगा ऐप में. ओके.